तो स्टार्ट करते हैं. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या चीज है? हाफ लाइफ पीरियड है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट है और वो कब एन नॉट बाई टू हो गए, आधे रह गए. क्यों आधे रह गए? क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल था, वो टूटता गया स्टेबल न्यूक्लियाई में, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. तो जब आपके नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट से एन नॉट बाई टू हो गए, उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है यहाँ तक? तो हाफ लाइफ पीरियड के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो कैसे बनता है? जब स्मॉल टी कैपिटल टी है, हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल कैपिटल टी. तो जब स्मॉल टी कैपिटल टी है तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं? एन नॉट बाई टू हैं. तो आप इस रिजल्ट में जो हमने रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट किया था? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैमडा टी. तो अगर आप यहां पर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करते हैं तो एन की जगह क्या पुट करेंगे? एन नॉट बाई टू. तो यहां से एन नॉट कैंसल. तो इसको अगर रेसिप्रोकल लेंगे, हाफ का उल्टा टू, ये टू हो गया और ये क्या हो गया? माइनस की जगह प्लस. तो ये टर्म आ गई. टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो अगर आप लॉग ऑफ बोथ साइड्स लेंगे, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो मेडिकल के लोग समझ लें, लॉग ऑफ जो भी टर्म है उसकी जो पावर है वो पावर नीचे उतर सकती है. तो आपके पास बचेगा लॉग ऑफ ई टू दी बेस ई, कुछ ऐसा टर्म बचेगा. ये आपने याद रखना है. यही किया हुआ है इसमें, लैम्डा टी को नीचे उतार लिया तो क्या बचा? लॉग ऑफ ई टू दी बेस ई, और राइट साइड पे लॉग ऑफ टू टू दी बेस ई. लॉग ऑफ टू टू दी बेस ई को अगर 10 बनाना है तो 2.303 से अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल है. और लॉग टू की वैल्यू जो होती है टू दी बेस 10 वो होती है 0.3010. तो ये याद रखनी पड़ेगी. तो यहाँ से लॉग ई टू दी बेस ई, मेडिकल के लोग याद रखें ये 1 होता है. कोई भी नंबर का लॉग निकालना है उसका बेस भी अगर सेम है तो आंसर 1 आएगा. तो ये 1 हो गया. तो लैम्डा इन टू टी, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6931. तो यहाँ से सॉल्व करके कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या आएगा? 0.6931 बाय लैम्डा. तो क्या है पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला मार्क करें, हाफ लाइफ पीरियड का ये फॉर्मूला है, दैट कैपिटल टी 0.6931 बाय लैम्डा. ठीक है यहाँ तक? तो ये हाफ लाइफ पीरियड है, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म देखो इसमें. इसमें एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं जो बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखने आपने. सपोज करो आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी. तो नंबर ऑफ एटम्स एन कितने हो जाएंगे? एन नॉट बाई टू. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन नॉट हाफ रेज टू पावर कितना? ठीक है. जब दो हाफ लाइफ पीरियड हो जाएंगे, दो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा? 2t. तो नंबर ऑफ एटम्स n कितने हो जाएंगे? n नॉट बाय 4, इसका हाफ हो गया. इसको कैसे लिखेंगे? n नॉट हाफ रेज टू पावर कितना? 2. जब यहां पर 3 हाफ लाइफ हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? n नॉट बाय 8. तो n नॉट हाफ रेज टू पावर कितना? 3. और ऐसे करते करते अगर नंबर ऑफ एटम जो हाफ लाइफ nth हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा n नॉट हाफ रेज टू पावर कितना? n. ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में 1, सेकेंड में 2, 3 में 3, n में n. तो वेयर स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल t बाय कैपिटल t. ये रहा. तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें और बहुत इंपॉर्टेंट है. n इज इक्वल टू n नॉट हाफ रेज टू पावर स्मॉल n. अगेन n का मतलब क्या होगा इसमें? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन द सैंपल. एन नॉट का मतलब जो इनिशियली प्रेजेंट थे. तो अब एन निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हो गए. पहला फॉर्मूला ये हो गया, पहला फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया. तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में. ज्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं क्योंकि इसमें ई रेज टू पावर का प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है. तो ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है.